समझ में नहीं आता कि हमेशा ऐसा अन्याय हम बेटियों के साथ ही क्यों होता है। शादी के पहले मायके में जिन जिन चीजों पर मेरा अधिकार था, शादी के बाद वही चीजें पराई क्यों लगने लगती है। मां खेली कूदी में जिस आनंद में, वो भी अपना पराया लागे, वो भी अपना। बताना जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका। इसलिए मां जिस घर में पली उसी घर से ही मां, जिस घर में पली उसी घर से ही मां, ये कैसी विदाई है मुझे मां से खिला मिला ये सिला। मैया ये घर छोड़ के मैं जा रही हूं, और जहां मैं जाकर के रहूंगी क्या मुझे तुम्हारे जैसे माता पिता मिलेंगे। मैंने जिस भी चीज पे हाथ रखा पिताजी ने ना नहीं किया, खुद भूखा रह करके मुझे खिलाया। मां क्या ऐसे पिताजी वहां मिलेंगे। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, मुझे हंस के दिया बाबुल ने, मुझे हंस के। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, वो मुझे हंस के दिया बाबुल ने, मुझे हंस के। मां मां मैं जान गई मां कि मेरे इस सवाल का तेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तू खुद किसी की बेटी है। इसलिए मां अच्छा चलती हूं मां, अच्छा चलती हूं मां, अब गले से लगा। और मैं जान गई बेटियां तो पराई है, इस प्रकार कंस।
दुनिया में आया है तो वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, मृत्यु के गाल में जाना ही पड़ेगा। इस अश्वत्थामा ने विचार बनाया कि जो अभिमन्यु की पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा, वो गर्भवती थी। अर्जुन तो अभिमन्यु तो थे नहीं दुनिया में, तो उसने सोचा कि अगर कैसे भी करके उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश यहीं से खत्म हो जाए। एक बात और याद रखना, अरदी सरदी ना तजे और खटरस तजे नयाम और सील बंत गुड़ ना तजे और आदति तजे न गुलाम। नीच आदमी की जो नीच प्रवृत्ति की सोच होती वो कभी बदलती नहीं है, चाहे कुछ भी करो। क्योंकि एक बात बताई श्रोताओं,